नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी टू से दैट यू ऑल आर वेरी सिंसियरली स्टडिंग। यू आर रेगुलरली अटेंडिंग लेक्चर्स, सॉल्विंग असाइनमेंट्स, आस्किंग योर क्वेरीज, क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। द स्पिरिट इज सिंपली सिंपली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज कीप अप दिस स्पिरिट in every phase of your life, not only when the lockdown is there, but as you grow in your life, the spirit becomes more and more important. And you will see that one day, if you keep up this spirit, you will certainly achieve the thing which you always have aspired for in your life. So wish you all a very good luck. So let's start today's lecture. तो अभी आपके सामने हम एक्सरसाइज 7th का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहे हैं। आप सब लोग लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर अटेंड किए थे, उसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जो भी असाइनमेंट्स दिए थे मैंने आपको, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहां पर है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन को। ये सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चंस थे और फिर ऑब्जेक्टिव के टोटल 4 क्वेश्चंस थे। तो आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए और फिर नोट डाउन जब कर लेंगे तो हम लोग आज का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, 8th लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का कब बढ़ना? तो जब आप एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर आपने प्योर वाटर ले लिया है और इसको बॉयल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है। लेकिन इसी कंटेनर में अगर आपने वाटर के साथ साथ कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, क्या डाल दिया है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि शुगर, सॉल्ट वगैरह या यूरिया वगैरह डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि ये वाले जो कंटेनर है, पहले वाले कंटेनर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था और दूसरे वाले कंटेनर का बॉइलिंग पॉइंट ये 100 डिग्री से कुछ बढ़ करके ज़्यादा, 102 डिग्री सेंटीग्रेड या 103 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या ऐड करने से? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तब देखते हैं कि ये इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीमेंट। तो बच्चों, जैसे आपके पास ये 2 कंटेनर है, कंटेनर 1 में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, सिर्फ वाटर है, और कंटेनर 2 में जो है आपने वाटर के साथ साथ कुछ उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी शुगर, सॉल्ट, यूरिया वगैरह मिला दिया है। तो पहले ये समझा जाए कि बॉयलिंग होता कैसे है या बॉयल कब होता है। तो देखिए, आप सबको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से लगता रहता है और ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है कितना? 1 atm, ठीक है? ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है 1 atm दोनों केस में। अब बॉइलिंग कब होता है? तो बॉइलिंग होता है कि जब इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर भी बढ़ करके कितना हो जाए? 1 atm हो जाए, ठीक है? तब ये लिक्विड बॉयल करने लगता है, इसका वेपर प्रेशर बढ़कर कितना हो जाए? 1 atm हो जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए आपने कोई एक कंडीशन फिक्स है, कोई एक टेम्परेचर फिक्स है। तो किसी एक टेम्परेचर फिक्स है तो जैसे मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स किया अगर आपने टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर प्योर वाटर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो रहा है? इसका वेपर प्रेशर हो जा रहा है 1 atm के बराबर। लेकिन अगर इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को आपने कोई चेंज नहीं किया और इस कंटेनर में क्या मिला दिया आपने? ये वाले कंटेनर में आपने इधर आपने
मिला दिया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इस वाले कंटेनर में। तो यहां पर भी वाटर है, वाटर के साथ साथ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो आपको पता है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने से अब जो इस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर होगा इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तो इसी टेम्परेचर पर इस कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन 1 atm हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेस देन 1 atm वेपर प्रेशर हो गया, इसके चलते अब एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 atm था, वेपर प्रेशर 1 atm से कम हो गया, तो ये कंटेनर के अंदर का जो लिक्विड है ये बॉयल नहीं करेगा, विल नॉट बॉयल, ये बॉयल नहीं करेगा। तब बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर है उसको बढ़ा करके, वेपर प्रेशर को बढ़ा कितना ले जाना पड़ेगा आपको 1 atm तक, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करके पहुंचाना है 1 atm तक। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का क्या तरीका है, तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा करके ले जाते हैं कहाँ तक, 100 degree से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 102 degree, 103, 104 ऐसा कुछ, 103 degree centigrade तक जब आप टेम्परेचर ले गए तो वेपर प्रेशर जो कि 1 atm से पहले कम था, 1 atm से कम था और उससे बढ़ के अभी कितना हो गया है, अभी 1 atm तक आ गया है। तो अब क्या होगा, अब फिर से ये लिक्विड भी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस लिक्विड, ये वाला लिक्विड जो सेकेंड कंटेनर में ये जिस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है वो टेम्परेचर 100 degree से ज़्यादा टेम्परेचर है। तो 100 degree जो है ये हो गया 100 degree, अब इसको मिटा देते हैं एक मिनट हम, ताकि हम आसानी से लिख सकें बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखिए अभी आपके सामने ये जो दो कंटेनर है, कंटेनर वन का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 degree है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट TB। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये है 100 degree centigrade जब कोई सोल्यूट नहीं मिला हुआ था। और जो कंटेनर टू है, ये दूसरा वाला कंटेनर, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया है TB- बोल रहे हैं इसको हम, ये बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये मान लीजिए कि 102 degree centigrade हो गया है। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, TB- TB, यानी TB- TB से कितना ज़्यादा हो गया है, ये डिफरेंस कितना है बताइए, तो ये है 102 - 100, ये है 2 degree centigrade। तो ये जो डिफरेंस है यही डिफरेंस कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सिंबल यूज करते हैं ΔTB, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज या फिर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल हो गया ΔTB। तो आप लोग जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है डिस्प्ले पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के जितना वैल्यू हुआ और माइनस पहले जितना बॉइलिंग पॉइंट था, तो ये हो गया 3 degree centigrade इसका यूनिट हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, इस यूनिट को एक बार हम लोग केल्विन यूनिट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये जो ΔTB है 103 degree centigrade को केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो किसी भी टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं। तो जैसे अगर आपका 103 degree centigrade है तो आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा केल्विन में 273, ये हो गया 376। ठीक है, तो इसमें 273 ऐड कर दिया तो ये हो गया 376 केल्विन, और माइनस 100 डिग्री में भी आप 273 ऐड कीजिए तो ये हो गया 373 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस निकल करके आया कितना आया, 3 केल्विन का आया। यानी कि इससे एक बात क्लियर हुआ कि टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट है वो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ΔTB आप चाहें तो केल्विन में निकाल सकते हैं, चाहे तो सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं, दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के। लेकिन आपको प्रीफर क्या करना है, प्रीफरेबली आपको हमेशा ΔTB का जो यूनिट यूज करना है वो किसमें करना है, इन केल्विन, केल्विन में आपको इसका यूनिट यूज करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैथमेटिकली और ग्राफिकली देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकेगा।
तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? तो आपका वाई एक्सिस पर है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर है टेम्परेचर। तो देखो बच्चों ये ग्राफ होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बढ़ता है। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ वाटर के लिए है, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या चेंज है उसके लिए ये ग्राफ है। तो आपको क्या करना है कि कुछ टेम्परेचर के पॉइंट इंडिकेट करने हैं एक्स एक्सिस पर आपके पास, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर के पॉइंट्स हैं इंडिकेट किया। इन टेम्परेचर पॉइंट्स पर अब आपके पास दो कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर में प्योर वाटर है, क्या है प्योर वाटर है, और दूसरे कंटेनर में वाटर के साथ साथ आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी मिला दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पर ये है वाटर के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, और ये क्या था, ये सिर्फ सॉल्वेंट था। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर किसी दिए हुए टेम्परेचर पर वो लेस होगा किसके कंपैरिजन में, तो वो कंपैरिजन है किसके, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा मोर किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। तब देखिए जैसे ये वाला टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इससे कम होगा। वैसे ही ये वाला टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना है प्योर सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा। फिर अगले टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर लेते हैं, ये वाला टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा। तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर फिर से वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम है। फिर अगले टेम्परेचर पे चलते हैं, तो ये वाले टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे जो है कि कम है, इतना वैल्यू है। तब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ये जो ग्राफ हो गया ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का है। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ हो गया है, तो आपका जो रेड कलर से बना हुआ ग्राफ है ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है वो किसका वेपर प्रेशर है, वो है प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर। तब होना क्या चाहिए कि बॉइलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ये जो दिया हुआ टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस पर, ये वाला टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। व्हेन, कब होगा ये, जब वेपर प्रेशर कितना हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसी टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करने लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 एटीएम के बराबर हो जाए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि वेपर प्रेशर पर, जैसे ये वाला वैल्यू मान लीजिए कि 1 एटीएम वेपर प्रेशर, ये कितना वेपर प्रेशर है, ये है 1 एटीएम। तो जो 1 एटीएम वेपर प्रेशर है, तो हम देखते हैं कि 1 एटीएम वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ किस किस टेम्परेचर को बताता है। तो जैसे देखिए जो प्योर वाटर है आपका, प्योर वाटर जो है, तो आप देखेंगे कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम जिस टेम्परेचर पर हुआ है वो टेम्परेचर आपका ये है, मान लीजिए ये टेम्परेचर है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जब 1 एटीएम हुआ है। और फिर सॉल्यूशन का जो कि रेड कलर का ग्राफ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिए आप, ये 1 एटीएम किस टेम्परेचर पर हुआ है, तो ये दूसरा टेम्परेचर पर। तब आप बताइए आपके पास यहाँ पर दो टेम्परेचर है, तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो दो टेम्परेचर है ये T1 है और ये सॉरी ये है TB, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, और ये क्या है TB डैश, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो अभी देखिए हम लिख देते हैं इसको क्लियरली कि जो T1 है ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट, और TB डैश किसका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब आप बताइए कि TB डैश ज़्यादा है या T1 ज़्यादा है, तो ग्राफ से क्लियरली है कि TB डैश ज्यादा है किससे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट यानी TB से। यानी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है, कब, जब आप प्योर वाटर के अंदर क्या मिला देते हो, प्योर वाटर के अंदर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, होता क्या, उससे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, वेपर प्रेशर को बढ़ा करके 1 एटीएम तक ले जाना होता है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर
जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल हो रहा था प्योर वाटर, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर ले जाना पड़ता है सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए, ताकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि कम हो गया था वो बढ़ करके कहां पहुंच जाए, वो 180 एटीएम तक पहुंच जाए। तो बच्चों हमने जो ग्राफ भी बताया है आपको वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, जिससे हम बताए थे कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट यानी टीबी से ज्यादा होता है, टीबी डैश यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये जो ग्राफ है ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो चलिए अब हम लोग जो है मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीमेंट है यानी डेल्टा टीबी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकेगा मैथमेटिकली। बच्चों आप सभी को पता है कि डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने के चलते वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसके चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और LVP लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग RLVP भी बोल सकते हैं, दिस इज RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैथमेटिकली आप सबको पता है कि RLVP क्या है, RLVP इज इक्वल टू P0A माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय PS, सॉरी PS नहीं डिवाइड बाय P0A। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है P0A माइनस PS बाय PS, ये होता था मोल ऑफ बी। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिवाइड बाय मोल ऑफ ए। या एक और क्वांटिटी होता था, दिस इज आल्सो इक्वल टू एम इनटू एम ए बाय 1000। आपको याद आ रहा होगा ये इक्वेशन हमने क्लास में प्रूफ किया था। तो हम ये वाले इक्वेशन पे देखिए फोकस करने वाले हैं, एम इंटू एम ए बाय 1000, ये जो इक्वेशन है RLVP से रिलेटेड। तो इस इक्वेशन में देखिए खास बात है, वो बात क्या है कि ये जो क्वांटिटी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो P0A माइनस PS है, ये क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। M क्या है, M इज इक्वल टू मोलैलिटी, ठीक है। इस फॉर्मूला में MA क्या है, MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास किसका, मोलर मास किसका मोलर मास है, ये सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर LVP के चलते ही डेल्टा टीबी हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वेशन आएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB, एक कांस्टेंट KB है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीमेंट है उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये KB है इनटू मोलैलिटी। तो ये आपका इक्वेशन बन गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी, ये इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो क्वांटिटी है उसके बारे में हम लोग एक बार बात किया जाए, KB क्या है और मोलैलिटी क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी है M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके मोल्स, सोल्यूट के मोल्स, N सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास, सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट का मास किस यूनिट में लेना है, kg में लेना है, तो इसका यूनिट हो गया मोल पर kg, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर का चेंज है, यह है टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो डेल्टा टीबी का यूनिट क्या हो गया, डेल्टा टीबी का यूनिट हो गया केल्विन, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर केल्विन। तो केबी का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, केबी का यूनिट हो जाएगा, देखिए आप केबी का यूनिट निकालने के लिए आपको मोलैलिटी को इधर लेकर के जाएंगे तो आपका यूनिट आ जाएगा केल्विन और फिर मोलैलिटी इनवर्स, मोलैलिटी इनवर्स मतलब केल्विन, मोलैलिटी होता है मोल पर केजी, तो मोलैलिटी इनवर्स हो गया केल्विन केजी पर मोल, तो ये हो गया यूनिट किसका,
केल्विन केजी पर मोल किसका, केबी का। तो केबी को बोलते क्या है, तो केबी के अलग अलग नाम है, देखिए उसको लिख लीजिए, केबी इज इक्वल टू, केबी इज कॉल्ड, तो ये है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, और फिर बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीनों नाम किसका है, ये तीनों नाम केबी का है, जिसका यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया इज डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, इन अ वेसल एक कंटेनर में मिलाया गया, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है आपसे, और ये जो सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का केबी बताया जा रहा है कितना है, 0.5 केल्विन केजी पर मोल, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर का 373 केल्विन है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको डेल्टा टीबी पहले निकाल लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कितना, तो ये होता है केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी निकाल लिया जाए तो मोलैलिटी कितना है, मोलैलिटी है मोल ऑफ यूरिया, अभी होता है हमने पढ़ा था ना मोल ऑफ सॉल्यूट, यूरिया के मोल कितने हैं, तो यूरिया का मोल निकालने के लिए यूरिया का मास लेंगे आप जो कि 60 ग्राम है, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे यूरिया के मोलर मास से, यूरिया का मोलर मास कितना है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से यूरिया का मोल निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट क्या है वाटर, उसका वेट कितना है 1 केजी, तो बाय 1 केजी, तो कितना आ गया देखिए, यहाँ से देखिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ऊपर में 1 मोल न्यूमरेटर में और नीचे आ जाएगा 1 केजी, तो आंसर आ गया 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, ये निकल गया आपका मोलैलिटी, और मोलैलिटी निकल गया तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, तो डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करना है, तो केबी का वैल्यू कितना है, केबी है 0.5 केल्विन केजी पर मोल, केजी का के स्मॉल होता है ध्यान रखिएगा, केल्विन का के कैपिटल के होता है, और इनटू मोलैलिटी कितना है, यह 1 मोल पर केजी, तो देखिए मोल से मोल कट जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आंसर, आंसर बच गया आपका 0.5 केल्विन, इतना केल्विन बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट हो गया। अब हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है कि बॉइलिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ कितना, तो वाटर का जितना बॉइलिंग पॉइंट था उसमें 0.5 केल्विन बढ़ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो टीबी सॉल्यूशन, टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 373 केल्विन प्लस 0.5 केल्विन, तो कितना आंसर आ गया 373.5 केल्विन, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर को आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसमें क्या किया गया है, एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, उसमें सॉल्यूट मिलाया गया है, क्या सॉल्यूट है, तो 25 ग्राम यूरिया है NH2CuNH2 और 25 ग्राम प्लस 25 ग्राम थायो यूरिया NH2CsNH2 किसमें मिलाया गया है, तो 500 ग्राम क्लोरोफॉर्म जो कि आपका सॉल्वेंट है CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है उसमें मिलाया गया है दो सॉल्यूट, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का केबी यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन जो बना है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको। तो फिर बच्चों करना वही, हमें करना क्या है, पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना है जो कि होगा केबी इंटू मोलैलिटी। तो आप लोग अब वीडियो को पॉज करके पहले आंसर ले आइए, तब फिर मैच कराइएगा मेरे सॉल्यूशन से।
तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी जो होगा, मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू टोटल मोल, अभी दो सोल्यूट है ना तो हमको टोटल मोल निकालना पड़ेगा, टोटल मोल ऑफ सोल्यूट, किसके मोल टोटल, सोल्यूट के, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लेना है, किस यूनिट में लेना है, केजी में। तो टोटल मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट दो है आपके पास यहाँ पर, कौन कौन सा, तो पहला सोल्यूट है आपका यूरिया, देखिए ये यूरिया है ना 25 ग्राम यूरिया, और दूसरा सोल्यूट क्यों है, ये 25 ग्राम थायो यूरिया, ठीक है। तो दोनों का मोल निकालते हैं, तो यूरिया का मोल हो गया 25 ग्राम, यानी कि 25 ग्राम बाय मोलर मास होता है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल। तो ये यूरिया का मोल हो गया, प्लस थायो यूरिया का मोल हो गया, थायो यूरिया का मास है 25 ग्राम और मोलर मास है आपका 76 ग्राम पर मोल। तो ये मोल निकल गया थायो यूरिया का, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये टोटल मोल है और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 500 ग्राम है तो केजी में हो गया मास सॉल्वेंट का 0.5 केजी, और यहाँ से आपका मोलैलिटी निकल के आ गया, मोलैलिटी कितना आ गया, तो दिस मोलैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 मोल पर केजी। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है बच्चों, 1.5 मोल पर केजी। अब आपको क्या करना है, इसके आधार पर डेल्टा टी भी निकालना है, तो चलिए डेल्टा टी भी कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैलिटी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये वाला वैल्यू, ठीक है। डेल्टा टी भी क्या होता है, डेल्टा टी भी होता है के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी कितना है, के बी है आपका, के बी देखिए यहाँ पर के बी दिया हुआ है 3.63 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। तो के बी है 3.63 केल्विन केजी पर मोल, और मोलैलिटी है 1.5 मोल पर केजी। तो यहाँ से देखिए केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल, और ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 5.445 केल्विन, ये आंसर आ गया। अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है टीबी डैश, यानी सॉल्यूशन का मोल, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, ये होता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जितना है प्लस डेल्टा टीबी कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो देखिए क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये देखिए क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 61.2, तो 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो यह है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लोग डेल्टा टीबी को जोड़ेंगे तो इसको भी डिग्री सेंटीग्रेड में लेना पड़ेगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तभी हमने प्रूफ किया था कि जो डेल्टा होता है चेंज इन टेम्परेचर, वो केल्विन में लें या फिर सेंटीग्रेड में लें बराबर होता है, तो ये हो गया 5.445 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आप जोड़ दीजिए 5.445 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 66.645 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट आपका आंसर आएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का। तो चलिए बच्चों अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग केबी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि केबी क्या है। तो केबी के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि मोलैलिटी को मान लेते हैं वन, तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी ये हो जाएगा केबी के बराबर, यानी कि जब मोलैलिटी वन यूनिट है, एक्सपेरिमेंट करते समय आप मोलैलिटी को वन ले लीजिए, और जब मोलैलिटी वन यूनिट होगा तो उस टाइम पर जो केबी होगा, जो उस टाइम पर जो डेल्टा टीबी होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट का चेंज आएगा, उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू केबी के बराबर होगा। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं कि दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है क्या, ये वाला जो इक्वेशन है ये इंडिकेट करता है, ये इक्वेशन दैट मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट यानी केबी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट, व्हेन, कब,
व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज वन मोलल, जब मोलालिटी वन मोलल है तब जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा, तब जो डेल्टा टी बी होगा उसी का वैल्यू किसके बराबर होगा, के बी के बराबर होगा, और इसका यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल। बच्चों के बी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करोगे तो होता है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर बाय एल वी। ये आर क्या है, तो आर है आपका गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सुना है इसके बारे में आपको, आपने सुना होगा, इसके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे इसके वैल्यूज होते हैं एक 0.082 लीटर एटीएम बाय मोल केल्विन, मोल इनटू केल्विन। एक आर का वैल्यू होता है 2, यानी कि बेसिकली 1.99 होता है कैलोरी में, उसको हम लोग 2 लिख देते हैं, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। और एक और वैल्यू होता है जूल में 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस भी सॉल्वेंट का केबी निकालना हो, केबी एक सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, जैसे वाटर का केबी अलग होगा, अल्कोहल का केबी अलग होगा, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब बिना सोल्यूट मिलाए हुए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट। और फिर एलवी क्या है, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कि 1 ग्राम लिक्विड को वेपराइज करने के लिए जितना हीट खर्च होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, आप लोग को शायद पता होगा कि ऐसा एक क्वांटिटी होता है डेल्टा एच वी, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला के आधार पर चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले हम बता दें कि इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि एल वी और आर का यूनिट आपको इस तरीके से यूज करना है कि के बी का जो यूनिट आना चाहिए फाइनली, वो के बी का यूनिट निकल के आना चाहिए क्या, ये यूनिट निकल के आना चाहिए केल्विन केजी पर मोल। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आर और एलवी का प्रॉपर यूनिट यूज किया जाए इस फॉर्मूले में। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट दी इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि के बी, इसी का नाम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, ऑफ वाटर। देखिए ये एक सॉल्वेंट के लिए डिसाइड किया जाता है, हमने बताया आपको कि वाटर का के बी अलग होगा, अल्कोहल का के बी अलग होगा। इफ इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए आपको निकालना है के बी जो कि होता है आर टी बी स्क्वायर बाय एलवी। चलिए इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एलवी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर का जो यूनिट यूज करना है वो 8.314 यूज नहीं करना है, 0.082 यूज नहीं करना है। ये वैल्यूज हम दिखा रहे हैं आर का, आपको दोबारा से देखिए, या आर के ये सारे वैल्यूज हैं यहां पर देख रहे हैं आप राइट साइड में। तो आर का कौन सा वैल्यू यूज करना है, तो आर का ये वाला वैल्यू यूज करना है जो कैलोरी वाला वैल्यूज है। चलिए तो आर का वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं, तो आर का वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। अब टीबी बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा वैल्यू यूज किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2373 केल्विन, तो बताइए कौन सा वैल्यू यूज किया जाए। तो यहां पर केल्विन में है वैल्यू, आर का वैल्यू, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हम लोग केल्विन में यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 370, यहां पर वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा 373 केल्विन का स्क्वायर।
हमने आपको बताया था कि आर और एलवी, आर और एलवी का ऐसा यूनिट यूज करना है, एलवी और आर का, ताकि आंसर केबी किसमें आए, केबी का आंसर आना चाहिए केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए देखते हैं ये आंसर आ रहा है क्या। तो देखिए पर मोल आएगा क्या, तो देखिए ये पर मोल, मोल तो आ जाएगा, यहाँ पे एक केल्विन है और ये केल्विन स्क्वायर है तो केल्विन भी आ जाएगा, कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, तो आपका एक जो वैल्यू आएगा ना वो ग्राम आ रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम, इस वैल्यू को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी पर केजी में, और तब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर सही सही आएगा। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए तो आप 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ऊपर में लिख लीजिए, मोल इंटू केल्विन, बगल में 373 केल्विन का स्क्वायर और डिवाइड में, देखिए तो ये जो क्वांटिटी है इसको ये कैलोरी पर ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है कैलोरी पर केजी में। तो ये है क्या, ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब हुआ कि 540 कैलोरी, 540 कैलोरी लगता है किसके लिए, 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने में, 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने में कितना हीट लगता है, 540। तो पर केजी यानी 1 केजी वाटर को वेपराइज करने में, यानी कि 1000 ग्राम वाटर को वेपराइज करने में कितना लगेगा, तो लगेगा 540 × 1000, इतना कैलोरी एनर्जी लगने वाला है अगर आप 1 ग्राम की जगह पर कितना वाटर लें, 1 केजी लें, तो यह पर केजी आ गया। ठीक है, 540 × 1000, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखिएगा 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो भी आंसर आपका कितना आ गया इधर से, तो यहां से आंसर आ रहा है 0.515 केल्विन केजी पर मोल, ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखिए इसी फॉर्मूला को एक हम अलग से बात आपको बता रहे हैं, वो बात क्या है कि इसी फॉर्मूला को कुछ बुक में इस तरीके से लिखा होता है, वो लिखा होता है KB इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर बाय 1000 LV। अब आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला तो आपने तो ये वाला फॉर्मूला बताया है, तो यहां पर 1000 LV ये कैसे आ गया फॉर्मूला, तो सिंपल क्या है, देखिए जब यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तब को क्या करना पड़ा, आपने आर का वैल्यू रख दिया इधर, देखिए ये 2, टीबी का वैल्यू रख दिया आपने, ये जो लेटेंट हीट था 540 किलोरी पर ग्राम इसका वैल्यू रखने रख दिया, एक्स्ट्रा क्या किया आपने, एक्स्ट्रा 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर यूनिट था कैलोरी पर ग्राम और आपको केबी का यूनिट चाहिए था केल्विन केजी पर मोल, तो यहां पर ग्राम को आपने पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है। कुछ कुछ बुक में वो सोचते हैं कि बच्चा इतना करेगा या नहीं करेगा, तो वो फॉर्मूला को ही चेंज कर देते हैं, 1000 LV कर देते हैं, पहले से ही वो फॉर्मूला में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो इसीलिए क्योंकि आपको ये बात सीखना होगा, आपको ये बात सीखना चाहिए कि आखिर ये कैलोरी पर ग्राम है तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे सीखेंगे, तो आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज आप पुट करते हैं, इसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, तो इन सब वैल्यूज को पुट करते समय फॉर्मूला में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वैल्यूज को यूनिट के साथ पुट करें, तभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यूनिट जो है क्या हम प्रॉपर यूनिट यूज कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर हमने 540 कैलोरी पर ग्राम को 540 × 1000 कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट किया है, तो इससे आपका लर्निंग और ज्यादा इनहेंस होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे, आपको खुद से ही सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कैलकुलेट दी इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट फॉर अ लिक्विड, एक लिक्विड के बारे में बोला जा रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है किसमें, 42 किलो जूल पर मोल। ध्यान रहे देखिए ये इसमें ट्रिक है क्वेश्चन में, 42 किलो जूल पर मोल में ट्रिक है, और मोलर वेट दे दिया गया 50 kg पर मोल। तो देखिए हम थोड़ा सा हिंट देना है आपको, पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बताएंगे, आपके सामने आंसर है, आप आंसर देख करके मैच कराएंगे। तो हिंट क्या है, हिंट है कि जब आप केबी का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होता है
आर टी बी स्क्वायर बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए आर का वैल्यू आप ले लेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है मोल केल्विन, और यहां से टीबी ले लिया आपने ये जो है 127 + 273, तो इतना केल्विन में ले लिया आपने, ये केल्विन में ले लिया और इसका आपने स्क्वायर कर दिया। और बाय जब आप एलवी करेंगे तो वो क्या है, वो है 42 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि वन मोल सॉल्वेंट, ये जो लिक्विड है ना, वन मोल लिक्विड को इवेपोरेट करने में, वेपराइज करने में कितना एनर्जी खर्च होता है, तो एनर्जी खर्च होता है 42 किलो जूल। अब आपको देखिए केबी का यूनिट क्या लाना है, केबी का यूनिट लाना है केल्विन केजी पर मोल। तो केल्विन तो देखिए ये यहां पर एक केल्विन है और यहां पर केल्विन का स्क्वायर आएगा, तो यहां से एक केल्विन आपको बच जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला मोल भी बच जाएगा। इस किलो जूल को अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलोरी और किलो जूल कट जाएगा, मतलब यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपको केल्विन बच गया, मोल बच गया। अब बस ये है कि आपको यूनिट में केजी चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये जो 42 किलो जूल पर मोल है, यानी एक मोल लिक्विड को वेपराइज करने के लिए 42 किलो जूल एनर्जी लगता है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है कैलोरी पर केजी में। एक मोल लिक्विड को वेपराइज करने में 42 किलो जूल एनर्जी लगता है, तो 1 केजी लिक्विड को वेपराइज करने में कितना कैलोरी, एक्स कैलोरी एनर्जी मान लिया जाए खर्च हो रहा है। तो आपको ये जो 42 किलो जूल पर मोल है इसको एक्स कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर किलो जूल की जगह पर कैलोरी आ जाएगा, ये कैलोरी और ये कैलोरी कट जाएगा, और फिर आपका यहां पर जो केजी होगा, यहां कैलोरी पर केजी, तो ये केजी आपका ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और आपका आंसर केबी का आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो आपको बस एक काम करना है, क्या, 42 किलो जूल पर मोल को एक्स कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करना है। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ यूरिया इज एडेड टू 1 केजी सॉल्वेंट। 1 मोल यूरिया है जो कि नॉन वोलाटाइल है, 1 केजी सॉल्वेंट यानी कि वाटर है। वाटर का केबी दे दिया गया है 0.5 केल्विन केजी पर मोल, और वाटर का जो नॉर्मल बॉयलिंग पॉइंट है वो भी दे दिया गया 373। तो पहले चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करना है आपको कैलकुलेट बॉयलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहला पार्ट सॉल्व कर लीजिए, मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर दूसरे पार्ट पर जाएंगे। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, आप लिखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, और केबी है वाटर का केबी है 0.5 केल्विन केजी पर मोल, और मोलालिटी कितना है, मोलालिटी है देखिए मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 मोल, ये 1 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 1 केजी। तो यहाँ से देखिए केजी से केजी कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 0.5 केल्विन। तो यहाँ से टीबी डैश यानी जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, देखिए 0.5 केल्विन इंक्रीमेंट है ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 373, तो 373.5 केल्विन यानी कि 373 + 0.5 जुड़ गया ये 0.5, तो ये हो गया टीबी डैश यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस आंसर को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन हम मिटा रहे हैं और फिर दूसरे पार्ट पर चलेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 374। तो हमने तो देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था 373.5, तो ये 374 कैसे हो गया, पहले इसको समझ लें तब तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपने जैसे एक कंटेनर ले लिया है, एक कंटेनर में आपने क्या किया, लिक्विड ले लिया और उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया जो खुद वेपर नहीं बन रहा है, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
अब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है के बी इंटू मोलैलिटी के वैल्यू पर, ये होता है डेल्टा टी बी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास केजी में लेना पड़ता है। तभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप इसको बॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर वेपराइज हो जा रहा है, सॉल्वेंट तो निकल ले रहा है, और ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ये सब तो वेपराइज कर नहीं रहे हैं। तो आपका ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये है कॉन्स्टेंट, और मास ऑफ जो सॉल्वेंट है ये टाइम के साथ साथ घट रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट वेपर बन जा रहा है। तो सॉल्वेंट घट रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, मोलैलिटी बढ़ रहा है, और मोलैलिटी बढ़ रहा है उसके चलते बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो डेल्टा टी भी बढ़ता चला जा रहा है। तो शुरुआत में जब आपने एक मोल यूरिया लिया था और जब एक केजी वाटर था तो बॉइलिंग पॉइंट था 373.5। अब धीरे धीरे आप बॉयल कर रहे हैं तो हुआ क्या कि कुछ वाटर वेपराइज हो गया, उसके चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। कितना गया बढ़ करके, 374। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट, कितना वाटर इवेपोरेट हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए टी बी डैश यानी कि वाटर इवेपोरेट होने के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, 374 केल्विन। तो डेल्टा टी बी कितना हो गया, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले 373 था और बाद में 374 हो गया, तो हो गया 374 माइनस 373 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लिखते हैं, होता है के बी इंटू मोलैलिटी। के बी तो चेंज हुआ नहीं, यानी कि मोलैलिटी तो चेंज हो गया क्योंकि वाटर इवेपोरेट हुआ होगा, तो हमें नया वाला मोलैलिटी निकालना पड़ेगा इसको, इसलिए हम लोग एम डैश लिख दे रहे हैं। और नया मोलैलिटी से पता चल जाएगा कि वाटर कितना इवेपोरेट हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नया मोलैलिटी निकालते हैं। तो यहाँ से जो एम डैश निकल के आया, एम डैश हो गया डेल्टा टी बी डैश बोल देते हैं इसको, नया डेल्टा टी बी, पहले वाला डेल्टा टी बी था 0.5 जो निकला था हमारा, ये डेल्टा टी बी डैश है। तो ये कितना हो गया, एम डैश हो गया आपका डेल्टा टी बी डैश बाई के बी, डेल्टा टी बी डैश है 1 केल्विन, और के बी कितना है, तो के बी है 0.5 केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ से केल्विन केल्विन कट गया और इसका आंसर आ गया 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी, ये नया मोलैलिटी आ गया, क्लियर है। अब नया मोलैलिटी हमें आगे का रास्ता बताएगा। तो देखिए नया मोलैलिटी क्या होगा, एम डैश नया मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि पुराना है क्योंकि सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं हुए हैं, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और वो वेपराइज नहीं हुआ है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये नया मास है क्योंकि कुछ सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, ये उतना मास है सॉल्वेंट का जो इवेपोरेट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एम डैश मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए नया मोलैलिटी क्या है, नया मोलैलिटी एम डैश है आपका 2 मोल पर केजी, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, ये तो पुराना वाला है, ये 1 मोल। तो एम डैश मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एम डैश सॉल्वेंट ये हम निकाल लेते हैं, ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से एम डैश सॉल्वेंट, एम डैश सॉल्वेंट क्या है, जितना सॉल्वेंट अभी सॉल्यूशन के अंदर है, ये कितना आ गया, यहाँ से एम डैश सॉल्वेंट आ गया। देखिए एम डैश किधर लाएंगे तो ये आ गया 0.5 केजी, एम डैश सॉल्वेंट है 0.5 केजी, यानी कि 0.5 केजी सॉल्वेंट अभी भी सॉल्यूशन के अंदर बचा हुआ है। तब आप पता कीजिए कितना इवेपोरेट हो गया है, कितना सॉल्वेंट था आपके पास टोटल, तो आपके पास सॉल्वेंट था, देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, तो आपके पास शुरुआत में सॉल्वेंट था 1 केजी, 1 केजी में 0.5 केजी सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट हो गया है, तो सॉरी 0.5 केजी सॉल्वेंट बचा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेटेड कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है, वाटर इवेपोरेटेड इज इक्वल टू 1 केजी था और बचा हुआ कितना है 0.5 केजी भी सॉल्यूशन के अंदर, कितना हो गया 0.5 केजी वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया है। ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का।
चलिए थैंक यू वेरी मच, अब हम लोग अगले लेक्चर के लिए मिलेंगे। अभी आपके सामने जो 8th लेक्चर पर आधारित असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट डिस्प्ले कर दिया जाएगा, आप लोग असाइनमेंट नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट को हम इसका PDF को गूगल ड्राइव पर अपलोड भी कर देंगे, आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो बच्चों आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं एक्सरसाइज 8th, आज जो पढ़ाया हमने उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और फिर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है अभी, और फिर इसके बाद ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर आपके पास आंसर की है। तो अगले लेक्चर में मिलने से पहले, 9th लेक्चर में आने से पहले आप सभी बच्चों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाना है। इस क्वेश्चन का PDF कॉपी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से। चलिए थैंक यू वेरी मच।